18वीं चतरा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का नगर भवन में हुआ आयोजन। चतरा एसडीओ व जिला खेल पदाधिकारी ने मंच मारकर खेल का किया विधिवत उद्घाटन। चतरा झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन व जिला ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त चतरा जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को चतरा के नगर भवन हॉल में एक दिवसीय 18वीं जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप का विधिवत उद्घाटन चतरा सदर एसडीओ मुमताज अंसारी, जिला खेल पदाधिकारी तुषार राय व ताइक्वांडो एसोसिएशन के संरक्षक सह झामुनो जिलाध्यक्ष पंकज प्रजापति ने मंच मारकर किया। इस मौके पर ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के उप कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद, जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र पंडित, सचिव उमेश कुमार, संयुक्त सचिव राम प्रकाश कुमार, कोषाध्यक्ष शंभु कुमार, जिला ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष चंद्रेश शर्मा व जितेंद्र चंद्रवंशी समेत अन्य विद्यालयों के प्राचार्य व अभिभावक मौजूद थे। इस दौरान ताइक्वांडो की गर्ल्स खिलाड़ियों द्वारा एक झारखंडी नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया। जिला ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि एसडीओ मुमताज अंसारी, जिला खेल पदाधिकारी तुषार राय, ताइक्वांडो संघ के संरक्षक पंकज प्रजापति, ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष देवेंद्र पंडित, फेडरेशन ऑफ इंडिया के उप कोषाध्यक्ष चंद्रेश प्रसाद, ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष चंद्रेश शर्मा को मेमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसडीओ मुमताज अंसारी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चतरा के लिए काफी खुशी की बात है कि बच्चों का ताइक्वांडो के माध्यम से शारीरिक व मानसिक विकास हो रहा है। साथ ही यहाँ के बच्चे जिला स्तर के साथ साथ राज्य व देश स्तर पर भी क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद जिला खेल पदाधिकारी तुषार राय ने कहा कि ताइक्वांडो आत्मरक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन खेल है। उन्होंने इस खेल को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आप बेहतर खेल का प्रदर्शन करेंगे तो राज्य व देश स्तर पर आपका नाम होगा। साथ ही कहा कि राज्य स्तर की खेल नीति में इस बार का प्रावधान किया गया है कि अगर आप ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है और राज्य स्तर पर गोल्ड जीते हैं तो सरकार आपका मानदेय तय करेगी। उन्होंने कहा कि इसके सर्टिफिकेट से आप सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। जिला खेल पदाधिकारी ने स्वयं के बारे में बताते हुए कहा कि नेशनल स्तर पर उन्होंने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आज खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण ही जिला खेल पदाधिकारी के पद पर हूं। जिला खेल पदाधिकारी तुषार राय ने कहा कि ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़े खेल संघों को राज्य सरकार व जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ताइक्वांडो संघ के संरक्षक पंकज प्रजापति ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल भावना से ही खेलना चाहिए। खेल में हार जीत लगी रहती है, अगर आप हारते हैं तो आप हतोत्साहित ना हो, इसे आप प्रेरणा के रूप में ले और आगे बढ़े। चैंपियनशिप में नाजरत स्कूल इंग्लिश मीडियम चतरा, नाजरत विद्या निकेतन चतरा, रामेश्वर लाल खंडेलवाल विद्या मंदिर चतरा, दिल्ली पब्लिक स्कूल चतरा, डीएवी पब्लिक स्कूल चतरा, होली गार्डन पब्लिक स्कूल चतरा, प्रगतिशील संस्थान चतरा, ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल चतरा, राज्य संपोषित प्लस टू गर्ल्स उच्च विद्यालय चतरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल, कार्तिक उराव मेमोरियल उच्च विद्यालय ऊंटा एवं आदर्श स्कूल जोरी के लगभग 200 बॉयज व गर्ल्स हिस्से ले रहे हैं। ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में आयोजित यह प्रतियोगिता चतरा जिला के युवा वर्ग के लिए एक निसंदेह अच्छा संदेश है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जिस प्रकार से चतरा जिला ताइक्वांडो संघ के प्रशिक्षकों के द्वारा निरंतर हमारे बच्चों बच्चियों में जिस प्रकार का गुण भर रहे हैं और बच्चे के लिए एक खेल के प्रति जो भावना पैदा किया जा रहा है, ये निसंदेह काबिले तारीफ है। यह प्रतियोगिता हमारे आने वाले जिला के नाम रोशन राज्य स्तर पे, देश स्तर पे होगा, जिससे हम एक जो चतरा जिला का प्रतीक है वो हम लोग राज्य स्तर पे जिला से प्रतिभागियों के बीच एक अच्छा संदेश पे देंगे। दो ग्रुप में बटा हुआ है ताइक्वांडो ग्रुप, मान ये क्या है मतलब? देखिए सीधा बात ये है, हम लोग उसी खेल को सपोर्ट कर सकते हैं, जिला प्रशासन हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय खेल मंत्री जी हैं, एज ए स्पोर्ट्स अफसर हम भी हैं। जो भी खेल 2022 खेल नीति के तहत झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन से जो मान्यता प्राप्त खेल है, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो ताइक्वांडो हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी खेल हो, जो भी एसोसिएशन हमारे झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है, झारखंड ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है, वही लीगल बॉडी है। दो ग्रुप है,
मैंने एक ये हो गया एक और विकास जी का मतलब है, तो विकास जी वाला क्या वो चीज़ क्या है इसमें कि वो अपना एक अलग संघ से रजिस्टर करवा रहे हैं, उनका मान्यता प्राप्त चूँकि झारखंड उन्होंने कंस्टिट्यूशन से जो मान्यता प्राप्त हमारे हैं उसमें सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट प्रभात शर्मा सर है और संजय शर्मा सर है, इन्हीं के तहत यहाँ पे जो उमेश जी हैं वो रजिस्टर्ड हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो अपना सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन उनका है ज़रूर से, बट वो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन से रजिस्टर्ड नहीं है। ये क्या मतलब है? देखिए चतरा जिला में न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि दो ताइक्वांडो संघ चल रहा है, बट हम लोग मान्यता देते हैं चतरा जिला ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष देवेंद्र पंडित, सचिव उमेश कुमार और कोषाध्यक्ष संजय कुमार, और किस तरह से मैच करा रहे हैं उनकी कहां से परमिशन है ये तो हमसे बेहतर वो बता सकते हैं, बट ये एफिलिएटेड यूनिट शंभू जी का जो है उमेश जी का ताइक्वांडो एसोसिएशन चतरा मान्यता देती है चतरा जिला ओलंपिक संघ झारखंड ओलंपिक संघ और झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन।